हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय मंत्री। आई एम अ फ्यू फाइनल स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने हमारे पहले वाले लेक्चर्स में जो है पूरा चैप्टर इन डिटेल देखा था, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था सीए फाइनल लॉ का। अभी अपन जो है इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर का रिविजन करने वाले है, जो की वीडियो मेरे हिसाब से 30 से 40 मिनट का होगा, जिसके अंदर अपन पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे विद अमेंडमेंट्स रिलेवेंट फॉर नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड और डायरेक्टर। बोर्ड मतलब कौन? द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 210। और डायरेक्टर्स मतलब कौन? डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, राइट। ये डेफिनेशन है। Then provisions related to appointment of directors in a company, number of directors, कितने directors रहने चाहिए और किसमें। Every company shall have a board of directors, हर company को board of directors होने ही चाहिए। Comprising of individuals as directors, individuals भी directors बन सकते हैं, body corporate firms, institutions, ये लोग जो भी directors नहीं बन सकते, सिर्फ individual ही बन सकते हैं। तो minimum number क्या दिला है? पब्लिक कंपनी के लिए 3, प्राइवेट के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, और मैक्सिमम जो है 15 का दिया हुआ है। और अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो तो आप 15 से ज्यादा जो है अपॉइंट कर सकते हो डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन चलेगा। लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स एंड देयर इंक्रीज इन लिमिट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट और सेक्शन 8 कंपनीज को ये मैक्सिमम वाला जो लिमिट है और इंक्रीज करने का जो लिमिट उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन से बोला है, वो अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों को एग्जम्पशन दिया गया है। और एग्जम्पशन के केस में अपन ने देखा था, हमेशा अपने को क्या याद रखना है, सेक्शन 137 और सेक्शन 92, ये दोनों सेक्शन अगर वो कॉम्प्लाई करते हैं तभी उनको एग्जम्पशन मिलेगा, नहीं तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। देन वुमेन डायरेक्टर के बारे में प्रोविजन देखे थे अपन ने, क्या था प्रोविजन रिलेटेड टू वुमेन डायरेक्टर, किसको किसको एप्लीकेबल है, क्या नहीं। नंबर ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स, कितने वुमेन डायरेक्टर रहने चाहिए, एटलीस्ट 1, कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो भी होने चाहिए। कौन सी कंपनीज में होने चाहिए, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कंपनीज विच रिक्वायर्स टू हैव वुमेन डायरेक्टर्स। एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को होना ही चाहिए एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए वाले हैं ना, वो सारे प्रोविजंस लिस्टेड कंपनीज को अप्लाई होते ही है। और बाकी जो भी हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पर्टिकुलर जो भी अदर पब्लिक कंपनीज है या फिर प्राइवेट कंपनीज जो भी स्पेसिफाइड है, वो बोले वाले रहेंगे, लेकिन लिस्टेड कंपनीज को हर जगह हर चीज को कंप्लाई करना ही पड़ेगा। एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर, और का कंडीशन है, क्या बोल रहा है, उनका प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 100 करोड़ प्लस है, टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ प्लस है, तो वुमेन डायरेक्टर का एप्लीकेशन आ जाएगा। और वुमेन डायरेक्टर की अगर समझो फाइलिंग ऑफ इमीडिएट वैकेंसी, इंटरमीडिएट वैकेंसी अगर वुमेन डायरेक्टर की होती है तो कौन फाइल करेगा, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, व्हिच एवर इज लेटर, यानी कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के पहले या फिर नेक्स्ट विद इन 3 मंथ्स, जो भी विच एवर इज लेटर, जो भी बाद वाली डेट है उस डेट तक आपको वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी जो है फिल कर देनी है। कौन फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ही इसकी इंटरमीडिएट वैकेंसी को फिल करेंगे लोग। प्रोविजंस रिलेटेड टू रेसिडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट नाम में लिखा है, रेसिडेंट ये इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए बोले। मीनिंग ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर, हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, कंपनी एक्ट के हिसाब से जैसा 182 डेज का कंडीशन दिया गया है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। और कितने होना चाहिए ऐसे रेसिडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो भी आपको आपके कंपनी में रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए बोल रहा है। कंपनीज विच अपॉइंट रेसिडेंशियल डायरेक्टर, किसको अपॉइंट करना है, हर कंपनी को, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड क्लास देने वाला नहीं है, हर कंपनी के अंदर एक तो भी वुमेन डायरेक्टर, एक तो भी रेसिडेंशियल डायरेक्टर रहना ही चाहिए बोल रहे। इनकेस ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसिक्वेंट, दिस सबसिक्वेंट शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। तो जो भी नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उनको इन सेक्शन, जो भी वुमेन डायरेक्टर और रेसिडेंट डायरेक्टर है, इन जो भी सेक्शन को कब कब फॉलो करना है, प्रोपोर्शनेटली एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक, क्या अपना
होता है, टर्नओवर वगैरह वो सब चेक करना है, तो उस हिसाब से आपको नेक्स्ट ईयर से अपॉइंट करना है, ऐसा बोल रहे हैं। और समझो इन केस उसी साल के अंदर अपन कंप्लाई कर देते हैं कंडीशन को, तो अपने को तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए, राइट। प्रोविजन रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में क्या प्रोविजन बोले वाले, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसको एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनीज, जैसे मैंने बोला लिस्टेड के साथ एप्लीकेबल है, कितने, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए, बोल रहे लिस्टेड कंपनीज के अंदर। और जो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज है, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज कौन से, उनका प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स और डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, और का कंडीशन है, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो होती है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में होने चाहिए, बोल रहा है। प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 10 करोड़ या तो टर्नओवर 100 करोड़ या तो आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़, तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो होती है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको रखने चाहिए। Then, और क्या बोल रहा है, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड। और ऑडिट कमिटी के कंपोजिशन की वजह से आपको जो हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करना पड़ सकता है, तो वैसे केस में आपको उनको अपॉइंट करना चाहिए, राइट। नॉन एप्लीकेबिलिटी इफ कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द प्री कंडीशंस फॉर 3 consecutive ईयर्स, जो भी तीनों कंडीशंस बोले वाली है, टर्नओवर 100 करोड़, प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, या फिर एग्रीगेट तुम्हारा डिपॉजिट्स डिबेंचर्स लोन्स जो है 50 करोड़ से ज्यादा, इन तीनों में से कोई भी एक भी अगर कंडीशन आप लगातार 3 साल तक कंप्लाई नहीं करते हो, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन से हटा दिया जाएगा, आप अगर अपॉइंट नहीं करते हो तो भी चलेगा। एग्जम्पशन फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द फॉलोइंग क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, कौन से अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को इस एग्जेम्पशन दिया वाला है, जॉइंट वेंचर, वेल्यू एंड सब्सिडियरी और डोरमेंट कंपनी, इन तीनों कंपनी के केस में अगर आपका प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज वाला भी कंडीशन आ रहा होगा ना, तो भी आपको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है। रेमुनरेशन कितना देंगे बोले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, जो भी फीस प्रोवाइड की हुई है सेक्शन 197(5) के अंदर, जो भी आपने डिसाइड किया है वो फीस आप उनको देंगे। रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कौन से खर्चों का रीएम्बर्समेंट देंगे उनको, बोर्ड मीटिंग का और अदर मीटिंग्स का, जो भी आने जाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, वो सब खर्चों का रीएम्बर्समेंट करेंगे बोलो। देन क्या है, थर्ड, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज में भी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स, अगर समझो मेंबर्स ने उनको प्रॉफिट रिलेटेड कोई भी कमीशन दिया है, अगर समझो उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई 1000 करोड़ से ज्यादा अगर कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके ऊपर वाले प्रॉफिट का 1% जो है हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को देंगे, तो वो कमीशन भी आपको उन्हें देना पड़ सकता है। और वो किसके लिए एंटाइटल नहीं है, नॉट एंटाइटल टू एनी स्टॉक ऑप्शन, जैसे कि एम्प्लॉइज को अपन स्टॉक देते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे वो किसी भी ऑप्शन के लिए लायबल नहीं है, एंटाइटल नहीं है। देन 151 क्या बोलता है, प्रोविजन रिलेटेड टू स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, जो छोटे शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि 49% जो अपने छोटे शेयर होल्डर है, जो 51 है उनका तो भाई वैसे भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो इजिली पास कर सकते हैं उनके डायरेक्टर्स को बोल के, जो भी छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट का क्या है, उनका ध्यान कौन रखेगा, है ना, उसके लिए लेके आया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। इट इज कंपल्सरी टू अपॉइंट SHD, नो नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी है क्या, नहीं मैंडेटरी नहीं है। विच कंपनी में अपॉइंट, किसको अपॉइंट करना है, लिस्टेड कंपनीज को अपॉइंट करना है, राइट। कितने नंबर, 1, कम से कम एक तो भी रहना यार, जो भी हो लिस्टेड कंपनीज के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कौन बनेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 और सच अदर सम एज मे प्रिस्क्राइब, 20,000 से ज्यादा की वैल्यू के उसके पास अपने शेयर होल्डिंग्स नहीं होने चाहिए अपने कंपनी के, तभी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो बन सकता है। हाउ SHD इज अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट करेंगे, बाय नोटिस, कौन नोटिस देगा, ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, 1000 से ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स जो है अगर नोटिस देते कंपनी को, या फिर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, या फिर 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर
नोटिस देते हैं कंपनी को, विच एवर इज लोअर, जो कम से कम नंबर है वो अगर उनको नोटिस देता है कि भाई स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर को अपन अपॉइंट करेंगे बोल रहे, है ना। देन नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर यानी कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला डायरेक्टर, सेक्शन 161 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मे कॉन्फर ऑन इट्स बोर्ड द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिया है, अगर उनको एडिशनल डायरेक्टर की जरूरत है तो वो कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर ए ने उनको पावर दिया है तो वो अपॉइंट कर सकते हैं कभी भी। अब किसको अपॉइंट नहीं कर सकते, डिस्क्वालिफाइड पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड। जिसको मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया उस आदमी को तुम एडिशनल डायरेक्टर बोल के बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता। यानी कि जिसको अपन सामने के दरवाजे से घर में आने नहीं दिए उसको पीछे के दरवाजे से घर में नहीं ला सकते बोल रहे, ठीक है ना। एम होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम और द लेट और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन होल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। यानी कि क्या बोल रहा है, जब से तुम्हारा अपॉइंटमेंट हुआ है तब से नेक्स्ट एजीएम का जो डेट है उस डेट तक, या फिर जब नेक्स्ट एजीएम होल्ड होनी चाहिए थी डू, या फिर जो दोनों में से भी अर्लियर हो, या तो जो नेक्स्ट एजीएम जब तक होगी तब तक, या तो नेक्स्ट एजीएम जब डू हो रही है तब तक, जो भी डेट पहले वाली है तब तक तुम जो है एडिशनल डायरेक्टर बोल के कंपनी के अंदर अपॉइंटेड रहेंगे बोल रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो प्रोविजन रिलेटेड टू अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर सेक्शन 161(2) अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड है, कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। यानी कि अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे अगर उनको ऑथराइज किया है एए ने, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन है, या फिर रेजोल्यूशन पास हुआ है जनरल मीटिंग के अंदर कि अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देते होते। देन क्या है, टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट करेंगे, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम द इंडिया। यानी कि जब ओरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है कोई और कंट्री के अंदर, फिर अपन अल्टरनेट डायरेक्टर को लेके आएंगे, वरना अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं। यहाँ पे 3 महीने का कंडीशन बोला है, 3 महीने से ज्यादा के टाइम के लिए ही अगर डायरेक्टर कंट्री के बाहर जा रहा है तभी अपन अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक्सेप्शन क्या है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर हु इज होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी ऑब्लिक होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। यानी कि कौन सा आदमी अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अल्टरनेट डायरेक्टर जो की पहले से ही अपनी कंपनी में किसी और डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, या फिर वो सेम कंपनी का जो है डायरेक्टर है, तो अपन उसको अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते। फॉरेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपन जब देख रहे हैं अल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट, तो जो भी अल्टरनेट डायरेक्टर है उसको इतनी क्वालिफिकेशन होने चाहिए बोल रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की उसकी लाइफ भी होनी चाहिए तभी अपन उसको अपॉइंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। टर्म ऑफ होल्डिंग पीरियड परमिसेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टाइम पीरियड था तब तक तुम अल्टरनेट डायरेक्टर उसके जगह पे है ना अल्टरनेट, तो उसका जब तक टाइम पीरियड था तब तक तुम जो है होल्ड कर सकते हो ऑफिस। वैकेशन इफ एंड व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया, जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से रिटर्न हो जाएगा तब आपका ऑफिस का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, आपको आपका ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अप्लाई टू द ओरिजिनल एंड नॉट टू द अल्टरनेट डायरेक्टर। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट जनरली जनरल मीटिंग में अपना ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, तो वो जो भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट है वो ओरिजिनल डायरेक्टर का होगा, अल्टरनेट डायरेक्टर का नहीं होगा। तो फिर वैसे केस में अल्टरनेट डायरेक्टर अपन वापस से रीअपॉइंट करेंगे, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में नहीं आया है रीअपॉइंटमेंट तक, तो उसके जगह पे जो भी अल्टरनेट डायरेक्टर लाना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वापस से अपॉइंट करेंगे बोल रहे। देन नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर यानी कि किसी और का नॉमिनी है, नॉमिनी किसी और के बिहाफ पे आ रहा है। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट अ पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और एनी एग्रीमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग्स इन अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि नॉमिनी डायरेक्टर किसके लिए किसके भी आ रहा है,
कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, तो वो अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए उनका एक नॉमिनी डायरेक्टर वहां पे रखते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर उनका स्टेट जो भी उनका जो भी परसेंटेज है वो उसको कोई उनके इंटरेस्ट को जो है हार्म नहीं होना चाहिए, वो उसको ध्यान रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका नॉमिनी डायरेक्टर रखते हैं। और उनका टाइम पीरियड कब तक होता है, जब तक कि उनका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर तब तक ही उस नॉमिनी डायरेक्टर का वहां पे अपॉइंटमेंट होता है, बाद में निकाल देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर थ्रू कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी के थ्रू अपॉइंटमेंट कैसा होगा, ऑकरेंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी टेक्स प्लेस, कब होगा ऑकरेंस कैजुअल वैकेंसी, वेयर एन ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वैकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स इन द नॉर्मल कोर्स। यानी कि ऐसा डायरेक्टर जिसको कि कंपनी ने अपॉइंट किया था जनरल मीटिंग के अंदर, उसने ऑफिस वैकेट कर दिया बिफोर इज टर्म ऑफ बिफोर उसका टर्म खत्म होने के पहले ही उसने ऑफिस वैकेट कर दिया, तो वहां पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फाइलिंग ऑफ सच कैजुअल वैकेंसी, द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी मे बी फाइल्ड बाय द बोर्ड एट द मीटिंग अप्रूव बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। यानी कि ये जो भी कैजुअल वैकेंसी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फील करेंगे, और जो भी उन्होंने जिसको भी लाया है एज उसके जगह पे जो उसके बिहाफ जो उसके जगह पे जो भी दूसरा डायरेक्टर आ रहा है उसको अप्रूवल दिया जाएगा इन द नेक्स्ट इमीडिएट जनरल मीटिंग के अंदर, मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा। अगर मेंबर्स अप्रूव नहीं करते हैं तो उसका अपॉइंटमेंट जो है वो वापस से इनवैलिड हो जाएगा बोर्ड में, कैजुअल वैकेंसी के जगह पे जो भी आया है उसका। टर्म ऑफ ऑफिस कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट करेंगे, person appointed shall hold office only up to the date up to which the director in his place he is appointed would have held office if it had not been vacated। कितने time period के लिए, जो original director था वो जितना time उसको जितने time period के लिए appoint किया गया था उसका जितना time period बचा है उसके term का, तो वो बचे वाला term जो है उस बचे वाले term के लिए अपन जो है वो casual vacancy fill करवा रहे हैं दूसरे director से। तो जितना टाइम पीरियड वो जितने टाइम पीरियड के लिए अपनी कंपनी में रहने वाला था उसके बचे वाले टाइम पीरियड के लिए ये जो है यहाँ पे रहेगा बोल रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट करने के तरीके क्या है, सेक्शन 162 और सेक्शन 163। अपॉइंटमेंट थ्रू सिंगल रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन के थ्रू अपन अपॉइंट रेजोल्यूशन पास करके अपन अपॉइंटमेंट कर सकते बोल रहे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, Each director shall be appointed by a separate resolution. हर director को separate resolution से appoint करना चाहिए, यानी कि एक resolution एक director की appointment, unless the meeting first agreed that the appointment shall be made by the single resolution and no vote has been cast against such agreement. यानी कि unless कब तक तुम दो या दो से ज्यादा director की appointment single resolution से कब कर सकते हो, जब पहले ही meeting में जब सभी जो भी मीटिंग में प्रेजेंट है मेंबर्स उन्होंने जो है डायरेक्टर जो है उन्होंने अप्रूवल दिया है कि भाई हाँ ठीक है आप जो है इन दो तीन डायरेक्टर्स को जो है सिंगल रेजोल्यूशन में पास कर लो हम एग्रीड, जब सब लोगों ने उसको वोट किया है तभी वो उसका अपॉइंटमेंट देगा। नो वोट हैज बीन कास्ट अगेंस्ट द सच एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में किसी एक सिंगल बंदे ने भी जो है वो वोट नहीं किया है तो फिर आप जो है सिंगल रिजोल्यूशन के थ्रू दो या दो से ज्यादा लोगों का अपॉइंटमेंट कर सकते हो। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अदर शैल बी अलाउड, और अगर समझो आप इसको कॉन्ट्रावेंट करते हो या फिर विदाउट अप्रूवल ही आप एक रिजोल्यूशन के थ्रू दो या दो से ज्यादा लोगों का अपॉइंटमेंट कर देते हो एज ए डायरेक्टर, तो वो जो भी है वॉइड अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मोशन फॉर अप्रूविंग अ पर्सन और फॉर नॉमिनेटिंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज अ मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट, जो भी मोशन है अप्रूवल के लिए बोलो या फिर अपॉइंटमेंट के लिए नॉमिनेशन के लिए, तो वो उसके अपॉइंटमेंट के लिए मोशन किया गया है ऐसा डीम्ड किया जाएगा बोलो, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 162 ऑफ द कंपनी एक्ट, 162 यानी कि ये अपॉइंटमेंट थ्रू सिंगल रेजोल्यूशन उसको एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है और प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। इन तीनों के केस में आप सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो बोल रहे, ठीक है। अपॉइंटमेंट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन टू अडॉप्ट
principle of proportional representation for appointment of directors. Principle of proportional representation यानी कि small shareholder directors जो आपने देखा था SS2 small shareholder directors, ये principle of proportional representation में आता है. Articles of company may provide for appointment of not less than two third of total number of directors in accordance with principle of proportional representation. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से याद है कि नहीं, नॉट लेस देन टू थर्ड से कम लोगों को अपॉइंट, मतलब अपॉइंट करना चाहिए, उससे ज्यादा लोगों को आप अपॉइंट नहीं कर सकते. और आर्टिकल्स में ये प्रोवाइड होना चाहिए कि आप उनसे ज्यादा, नॉट लेस देन टू थर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट हो सकते हैं. सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड वंस इन अ थ्री इयर्स, और ये अपॉइंटमेंट जो है वो तीन साल में एक बार की जाएंगे बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑब्लिक बाय सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग और अदरवाइज. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग से ये अपॉइंटमेंट करेंगे. ग्रेजुअल वैकेंसीज ऑफ सच डायरेक्टर शैल बी फाइल्ड एज पर सेक्शन 161 फोर में जस्ट ग्रेजुअल वैकेंसी फिल होने वाली थी, वैसे ही इनकी भी ग्रेजुअल वैकेंसी जो है वो फिल हो जाएंगी. कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. वो सेक्शन 163 किसको एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट कंपनीज को और सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को. सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 और सेक्शन 92 वो कंप्लाई करते हैं तो ठीक है. देन सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. सेक्शन 164 बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से डायरेक्टर्स जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से? जनरल डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि जनरल जो प्राइमरी डिस्क्वालिफिकेशन है. Of unsound mind, directors who are unsound mind and so declared by the competent court. कोई भी director जो unsound mind declare हो चुका है, कोई भी आदमी उसको आप director बोल के appoint नहीं कर सकते. And undischarged insolvent, जो insolvent है तो उसको नहीं कर सकते. Applied to be adjudicated as insolvent and his application is pending. उसने apply किया है court में कि मुझे जो है insolvent declare करो, और उसका जो भी case है, application जो है वो pending है court में, तो आप उसको डायरेक्टर बोल के अपॉइंट नहीं कर सकते. कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ फॉर इंप्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 6 मंथ्स एंड पीरियड ऑफ 5 इयर्स हैज नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस. यानी कि क्या बोलते हैं, 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर उसको इंप्रिजनमेंट किया है, कोर्ट ने उसको इंप्रिजनमेंट दिया है, तो आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते बोला ऐसे डायरेक्टर. और इम्प्रिजनमेंट का जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा, उसके 5 साल के बाद तक भी उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है एज ए डायरेक्टर. 5 साल का उसको एक कूलिंग पीरियड, उसके बाद में ही वो डायरेक्टर जो है वो बन सकता है. हाउएवर इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट थेरऑफ टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स और मोर, ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी. यानी कि अगर समझो तुमको 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट किया है, तो तुम कभी भी अपनी लाइफ में जो है कहीं भी डायरेक्टर नहीं बन सकते. खत्म बात. 7 साल के ज्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया है तो तुम कहीं डायरेक्टर नहीं बनने के लायक नहीं रहोगे, ठीक है? क्योंकि 7 साल से ज्यादा है, तुमने बहुत बड़ा कुछ भी कांड किया होगा. राइट. An order disqualifying him for appointment as a director has been passed by the court or tribunal. अगर समझो तुमको अपॉइंट नहीं करना है, ऐसा ऑर्डर जो है तुम्हारे डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने पास कर रखा है, तो तुमको जो है अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं डायरेक्टर. नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी होल्ड बाय हिम एंड 6 मंथ्स हैव इलैप्स्ड फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल. यानी कि तुमने कंपनी के कोई शेयर्स जो है वो परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, परचेस करने के लिए तुमने जो है वो बात की थी, और तुमने जो जब भी तुम्हारा कॉल हुआ शेयर कॉल, जैसे कि अपन ने बचपन में देखा था ना, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ये जो भी शेयर्स के कॉल हुए थे, तुमने कोई भी कॉल मैंने मतलब जो टाइम दे रहे थे लास्ट टाइम लास्ट डेट दी वाली थी, उस डेट तक तुमने कॉल का पैसा दे देना चाहिए था, लेकिन वे टाइम पे रिलैक्स कर दिया तुमने. 6 महीने हो गए तुमको पैसा मांग रही कंपनी, तुम कंपनी का पैसा नहीं दे रहे, तो तुम डायरेक्टर अभी नहीं बन सकते. राइट. तुमको डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि तुम 6 महीने से कंपनी का पैसा नहीं दे रहे. कंपनी तुमको बोल रही पैसा दो, तुम्हारे कॉल्स के शेयर्स का पैसा दो, तुम दे रहे नहीं. He has been convicted of the offence of dealing with related party transaction under section 188 at any time during the last preceding 5 years. यानी कि तुमने जो भी है
कंपनी के साथ कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया था पिछले 5 साल के अंदर, और तुम उसके लिए जो है ऑफेंस, तुमने जो ऑफेंस किया था तुमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, तो वो जो भी है तुम उसके अंदर अगर अगर कन्विक्ट हो जाते हो, उसके अंदर तुमको पकड़ लिया जाता है बोलो, तो तुम जो है अभी डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि रूल है भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो तुमने जो है वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तुमने डिस्क्लोज नहीं किया तो एक ऑफेंस तुमने किया है, तुमने डिस्क्लोज नहीं करके तो वो तुम वहां पे जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यू हैज नॉट कम्प्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152(3) व्हिच रिक्वायर्स अ डायरेक्टर टू हैव बीन अंडर सेक्शन 154। यानी कि क्या कहता है, तुमने बिन नंबर लेना चाहिए था, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तुमने लेना चाहिए था और तुमने वो नहीं लिया, तो तुम जो है डायरेक्टर नहीं बन सकते, सिंपल सी बात है। यू हैज नॉट कम्प्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165। सेक्शन 165 के प्रोविजन को अगर तुम कम्प्लाई नहीं करते हो, ड्यूटीज को तुम कम्प्लाई नहीं करते हो, तो तुम जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकते कंपनी के अंदर। वो हो गए अपने प्राइमरी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, इतने सारे प्राइमरी डिस्क्वालिफिकेशन, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन। अदर डिस्क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बोले गए सेक्शन 164(2) के अंदर, क्या बोलता है, पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी which has not filed financial statement or annual returns for a continuous period of 3 financial years। यानी कि तुम ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो या फिर तो जिन्होंने उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न है वो कंटिन्यूअसली 3 साल तक फाइल ही नहीं किया, बोल रहे तो तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते अभी हमारे कंपनी के। या फिर और has failed to repay the deposits accepted by Cook or to interest there on or to redeem any debenture on the due date or pay interest due thereon or pay dividend declared and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more। यानी कि अगर समझो तुम्हारी कंपनी ने जो है वो डिपॉजिट लिया था, कोई भी डिपॉजिट जो लिया था उसके ऊपर का इंटरेस्ट उनको पे करना था, जो भी डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स को रिडीम करना था, फिर जो भी इंटरेस्ट भी है डिबेंचर्स का जो तुमको सब पे करना था, फिर तुमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया तुम्हारी कंपनी ने वो तुमको पे करना था। अगर समझो तुमने वो सब जो लोगों का पैसा है वो पैसा देने में 6 महीने 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड, तुम अगर 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में पैसा दे नहीं रहे लोगों का, तो तुम किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते बेटा। जो भी भाई तुमने जब भी देना था, जब भी ड्यू हुआ पैसा, वेन एवर इट इज ड्यू, वहां से एक साल हो गया अभी तक पैसा नहीं दिया, बोल रहे पैसा नहीं दिया लोगों का लोगों को, तो तुम जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकते भाई। तुम ऐसे काम कर रहे हो कि तुम लोगों के कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हो, उनका पैसा नहीं दे रहे, तो ये सब गलत है ना। तो फिर ऐसे आदमी को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना के कोई फायदा नहीं है, तो नहीं बनाएंगे वो। तो शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच सेड कंपनी फेल्स टू डू सो। यानी कि तुम कुछ पर्टिकुलर उसी कंपनी के अंदर रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा तुम्हारा, फिर तुम किसी और कंपनी के अंदर 5 साल तक डायरेक्टर भी नहीं बन सकते, बोल रहे जब से तुमने ये सारा फेलियर किया है, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन या फिर अदर डिस्क्वालिफिकेशन कुछ भी किया, तो तुम उसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते और फिर किसी और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर नहीं बन सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years कूलिंग पीरियड है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी व्हिच इज इन डिफॉल्ट as above, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। यानी कि अगर समझो तुम कोई कंपनी में नए नए डायरेक्टर बने और नए नए तुमको 6 महीना भी नहीं हुआ और ये सब कांड तुम्हारे कंपनी के सामने आ रहे, तो भाई तुम्हारे को ये डिस्क्वालिफिकेशन हम नहीं लगाएंगे भाई। तुम अभी अभी कल्ले है ना, तो नए नए है तुमको ये डिस्क्वालिफिकेशन क्यों लगाएंगे, बोलते तुमको इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर रखने वाला है, तुमको जो भी ये रीअपॉइंटमेंट का बोले फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड हम नहीं लगाएंगे, बोल रहे ठीक है। प्राइवेट कंपनी मे बाय इट्स आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर एनी डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एडिशन टू दोस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1 एंड 2। यानी कि क्या बोल रहा है, प्राइवेट कंपनीज जो है वो उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर और डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन कर सकती है, हम कोई कौन से और कोई डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर समझो हमारा डायरेक्टर ये पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन करता है तो हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, इसको निकाल देंगे, ये सब वो बोल सकता है। जैसे कि अपन ने एग्जांपल में देखा था ना, जानवी ने बोली एसी लेके आओ, फ्रिज लेके आओ, बच्चे ने बोला टैबलेट लेके आओ, पप्पा iPhone 13X Pro लेके आओ, पप्पा क्या कर रहे, अपनी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों की बना वाली, वहां जा रहे शोरूम में से उठा के सब लेके आ रहे, तो ये सब गलत है। वहां पे उन्होंने कॉम्प्लिकेशन लगा दिया था कि भाई 2.5 लाख से ज्यादा का माल अपन नहीं लेके जाने का कोई भी डायरेक्टर ने,
तीनों क्या कर रहे हो, लेके जा रहे हो घर को। अरे भाई घर के लिए दुकान खोलेगी, बेचने के लिए खोले, तो ऐसे केस में आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे अपॉइंटमेंट से। ठीक है, सेक्शन 164(2) इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि जो अदर क्वालिफिकेशन है वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, बोलता है। ठीक है, देन होल्डिंग ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप सेक्शन 165, कोई भी डायरेक्टर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 20 डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, अल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी मैक्सिमम 20 में इंक्लूड किया गया है। आउट ऑफ 20 मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज, और मैक्सिमम 20 में से 10 पब्लिक कंपनीज रहने चाहिए, उससे ज्यादा पब्लिक कंपनीज भी नहीं चलेंगे। एक्सक्लूजन फ्रॉम 20 कंपनीज, किस डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट कंपनी, अगर आप डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो तो उन डोरमेंट कंपनीज को जो है वो 20 के काउंट में से एक्सक्लूड किया गया है बोल रहे। कंपनी में स्पेसिफाई लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच कंपनी डायरेक्टर में एक्ट एज ए डायरेक्टर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि क्या बोलता है, कंपनी जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके स्पेसिफाई कर सकती है कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर जो है वो उससे ज्यादा पर्टिकुलर नंबर, यानी कि 15 बोलो 12 बोलो, उससे ज्यादा कंपनीज के अंदर डायरेक्टर नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोल सकती है। राइट, प्रोविजन रिलेटेड टू मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ डायरेक्टरशिप शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी, और ये जो मैक्सिमम होल्डिंग का देने वाला है वो सेक्शन 8 कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। जो प्रोविजन इफ अ पर्सन एक्सेप्शन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन कॉन्टेवेंशन ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज, पब्लिक मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज, ही इज लायबल फॉर रुपीज 2000 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच कॉन्टेवेंशन कंटिन्यूज एंड मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। ये जो है अमेंडमेंट है नवंबर 21 वालों के लिए और ऑनवर्ड्स, नवंबर 21 ऑनवर्ड्स के लिए अमेंडमेंट है कि 2000 से ज्यादा के लिए 2000 रुपए पर डे का आपके यहाँ पे लाइबिलिटी पेनल्टी लगाएंगे बोल रहे, अगर आप मैक्सिमम डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो। और मैक्सिमम कितने का पेनल्टी है, 2 लाख रुपए का पेनल्टी है, पहले जो है वो 5000 रुपए था, अभी उसको 5000 से 2000 कम कर दिया, कोरोना का टाइम पीरियड 5000 से 2000 उसको कम कर दिया है, और मैक्सिमम 2 लाख का यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उससे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा जो है वो नहीं रहना चाहिए। देन क्या है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 166, ड्यूटीज क्या क्या है बोले डायरेक्टर्स की, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स के हिसाब से तुमको कंपनी के काम करना चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोविजन ऑफ द एक्ट, सब्जेक्टिव प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एक्ट इन गुड फेथ, गुड फेथ में काम करो, प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट मेंबर्स and in the best interest of company, its employees, shareholders, community and for protection of environment, उनके best interest में काम करना चाहिए, किसके best interest में, company के, employee के, shareholders के, community के और protection of environment के, exercise these duties with due and reasonable care, skill, diligence and with independent judgment, independent directors who do reasonable care, skills, diligence के साथ independent judgment उन्होंने देना चाहिए बोल रहे, ठीक है ना। Do not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts or possibly may conflict with the interest of company. उन्होंने कोई भी ऐसी situation में involve नहीं होना चाहिए जो कि directly या फिर indirectly company के interest को conflict करती होगी या फिर जो है उससे उनको benefit मिलता होगा, और company का जहाँ interest है वहाँ पे उनको उन्होंने खुद के interest को नहीं लाना चाहिए बोल रहे, ठीक है। Not achieve public attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relative, partner, associate, and if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain of the company. यानी कि उन्होंने कोई भी ऐसे काम में उन्होंने कोई भी undue gain या फिर advantage नहीं लेना चाहिए, खुद भी नहीं लेना चाहिए या फिर उनके relatives, partners और associates जो उनको भी नहीं दिलवाना चाहिए जहाँ की कंपनी का इंटरेस्ट है। और अगर ऐसा अगर कोई भी केस होता है जहां पे कंपनी के गेन के जगह पे उन्होंने खुद का गेन करके लिया है, तो वो जो भी गेन है पर्टिकुलर उतना अमाउंट जो वो उनको कंपनी को रीपे करना पड़ेगा बोल रहे, ठीक है। नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड इफ एनी असाइनमेंट सो मेड इट शैल बी ओवर, उन्होंने खुद का ऑफिस किसी और को चलाने के लिए नहीं देना चाहिए, क्यों, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने उन पे भरोसा किया, उनके कैंडिडेट पे भरोसा करके उनको अपॉइंट किया, किसी वो किसी तीसरे को अपॉइंट करके वहां पे काम नहीं करवा सकते, हमने तुमको किया तो तुम काम करो, ठीक है। और समझो इनके सब कॉन्ट्रावेंशन, अगर डायरेक्टर जो कॉन्ट्रावेंट करता है उसके ड्यूटीज के अंदर, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी लेवड फ्रॉम
1 लाख टू 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख का पेनल्टी हम तुमको लगाएंगे बोल रहे। अगर तुम जो तुम तुम्हारे ड्यूटीज को कम्प्लाई नहीं करते हो तो ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप सेक्शन 167। कब डायरेक्टर्स को उनका ऑफिस वैकेट कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा उनको उनका ऑफिस। कब डायरेक्टर इनका सीनियर तो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। सेक्शन 164 में ऊपर हमने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन देखे, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन और अदर डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर तुम इनकर कर देते हो तो तुमको ऑफिस जो है वो वैकेट करना पड़ेगा। इनकेस इनकर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 अदर डिस्क्वालिफिकेशन, द ऑफिस शैल बिकम वैकेंट इन ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट द कंपनी इन डिफॉल्ट। ऑल द कंपनीज, जहां भी तुम डायरेक्टर है वो सब कंपनीज तुमको छोड़ना पड़ेगा बोले अदर डिस्क्वालिफिकेशन में, एक्सेप्ट जिस कंपनी में तुमने डिफॉल्ट किया वो कंपनी छोड़ के बाकी सब कंपनीज को छोड़ दो। अदर डिस्क्वालिफिकेशन में अपन ने देखा था 2 डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने वहां पर दिलवा लेते अदर डिस्क्वालिफिकेशन में वो है, तो तुमने सब कंपनीज को छोड़ना है एक्सेप्ट जिस कंपनी में तुमने डिफॉल्ट किया है वो कंपनी, ठीक है। ऑन एब्सेंस फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड हेल्ड ड्यूरिंग द 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने के टाइम में तुमने कोई भी बोर्ड मीटिंग में आया नहीं तुम, तो तुम जो है वो तुम्हारा ऑफिस वैकेट करते हो ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे बोले। एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच ही इज इंटरेस्टेड, तुमने ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, अरेंजमेंट में एंटर किया है जहां देखिए तुम इंटरेस्टेड है और तुमने डिस्क्लोज नहीं किया है सेक्शन 184 के हिसाब से, तो तुम वहां पे जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और तुम्हारा वैकेशन हो गया ऐसा हम डीम कर लेंगे। फेल्स टू डिस्क्वालीफाई हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच हिज इंटरेस्ट, तुमने जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज नहीं किया। भाई कंपनी को बोल दो ना, जो भी कंपनी को बोलो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी कंपनी को बोल दो भाई मैं ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है, मेरे को यहाँ से पैसा मिल रहा है, ठीक है, कंपनी के ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, मेरा इंटरेस्ट है वहां पे, तो बोल देना चाहिए। बिकम्स डिस्क्वालीफाइड बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर या फिर कोर्ट के ऑर्डर से तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे तो तुम ऑफिस वैकेट कर देंगे। कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ ऑफेंस और सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर तुम कहीं भी इम्प्रिजनमेंट के लिए हो जाते हो बाय ऑफेंस ऑफ कोर्ट फिर तो फिर तुमको वैकेट हो जाए वैकेट करना पड़ेगा बोले ऑफिस। रिमूव्ड इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दैट, कंपनी एक्ट के हिसाब से अगर तुमको रिमूव कर दिया गया है तो भी तुम यहाँ पे जो है निकाल वैकेशन हो जाएगा तुम्हारा। हैविंग बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय वर्चू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस अदर एम्प्लॉयमेंट इन द होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी, यानी कि तुमने जब भी कोई भी तुम कोई कंपनी के जो भी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट है तुम वहां पे जो भी एम्प्लॉय ऑफिसर अगर बन जाते हो तो तुमको जो है हमारा वैकेशन डायरेक्टरशिप से तुमको वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये जो भी वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ये तुम कोई भी प्रोविजन कंप्लाय नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे जो है तुमको 1 लाख से 5 लाख का पेनल्टी बोलने वाला था और इम्प्रिजनमेंट भी बोला हुआ था 1 साल का, लेकिन अभी जो है वो अमेंडमेंट के हिसाब से यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर को जो है उसको हटा दिया गया है, 1 साल के इम्प्रिजनमेंट को निकाल दिया गया है और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 1 लाख से 5 लाख बस इतना ही बोला है। और जैसे कि पहले 5 लाख और बोथ जो भी था वो अभी हट चुका है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर को हटा दिया गया है, सिर्फ पेनल्टी दे रही है 1 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी, राइट। देन ये देखो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा पार्ट अपने को दिया है सेक्शन 168, कैसे कोई डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है। डायरेक्टर मे बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू कंपनी, राइटिंग में कंपनी को नोटिस दो कि मुझे ऑफिस छोड़ना है, मुझे रिजाइन करना है, तो फिर आप रिजाइन कर सकते हो। बोर्ड शैल ऑन रिसिप्ट टेक नोट ऑफ द सेम, बोर्ड जो है नोट कर लेगा कि भाई इन्होंने मुझे जो है रेजिग्नेशन का नोटिस दिया है। कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट इंटीमेट द रजिस्ट्रार एंड पोस्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन इट वेबसाइट इफ एनी, कंपनी जो है वो विद इन द 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस जो है रजिस्ट्रार को बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन का मेरे पास नोटिस दिया है, कंपनी और वो अपनी वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करेगा कि ये डायरेक्टर जो है वो रिजाइन कर रहा है। कंपनी शैल ऑल्सो प्लेस द फैक्ट ऑफ सच रिजिग्नेशन इन बोर्ड्स रिपोर्ट एंड लीड इन द इमीडिएट फॉलोइंग जनरल मीटिंग, और वो जो भी फैक्ट आप आपके बोर्ड मीटिंग में भी डिस्कस करोगे बोर्ड रिपोर्ट्स में भी आपको ये बात लिखनी है और जनरल मीटिंग में भी ये बात बतानी है, राइट। डायरेक्टर मे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन विद रीजंस टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन,
यानी कि डायरेक्टरों को खुद भी विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन जो है वो रजिस्ट्रार को बोलना चाहिए कि मैंने पर्टिकुलर ये कंपनी से रिजाइन कर दिया है। अब 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन की डेट क्या होगी? रेजिग्नेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस विच एवर इज लेटर, जो भी डेट लेटर है, यानी कि तुमने जिस दिन नोटिस दी वो डेट या फिर तुमने पर्टिकुलरली नोटिस में कोई डेट मेंशन की थी, भाई मैं ये जो भी है समझो पर्टिकुलर समझो अभी अपन बोलेंगे भाई 30 सितंबर से मैं जो है रिजाइन कर रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर डेट से 30 डेज अपन काउंट करेंगे नोटिस के लिए, राइट। जो भी डेट विच एवर इज लेटर तुमने 15 सितंबर को लेटर दिया, 15 सितंबर के लेटर में बोला 30 सितंबर से मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो फिर जो लेटर डेट है 30 सितंबर वाली जो लेटर डेट है वो हम तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन मानेंगे, और उसके 13 डेज के अंदर अंदर तुमको जो है वो रजिस्ट्रार को बोलना चाहिए कि मैंने वहां से डायरेक्टरशिप छोड़ दी बोल के, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 169 स्टेप्स फॉर रिमूवल, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आपका रिमूवल हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी तुमको रिमूव कर सकती है एज ए डायरेक्टर। स्पेशल नोटिस एक बार कहाँ कहाँ स्पेशल नोटिस जरूरी है, स्पेशल नोटिस कहाँ लगेगी बोले ऑन रिसिप्ट ऑफ द स्पेशल नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल, अगर समझो द कंपनी शैल फोर्थविथ सेंड अ कॉपी थेरऑफ टू द कंसर्न डायरेक्टर, यानी कि अगर मेंबर्स जो है वो स्पेशल नोटिस दे रहे हो कंपनी को कि भाई हमको पर्टिकुलर वो एक्स वाई जेड जो भी मिस्टर एक्स है ना मिस्टर एक्स इसको निकाल देना है, तो जहाँ पे मेंबर्स स्पेशल नोटिस दे रहे हैं तो फिर स्पेशल नोटिस के हिसाब से रिमूवल होगा, तो स्पेशल नोटिस का जो भी है फिर अपन जो भी बोर्ड मीटिंग की जो भी नोटिस है वो उस नोटिस के साथ में ये स्पेशल नोटिस भी देंगे अपने बाकी मेंबर्स को कि भाई देखो ये जो भी मेंबर्स अपने बोल रहे कि ये मिस्टर एक्स को निकाल देना चाहिए, आपका इसके बारे में क्या भी है आपके कंपनी के अंदर बोलना है, वो अपना एजेंडा, ठीक है। देन अपन जो है वो अपने कंसर्न डायरेक्टर को भी नोटिस देंगे कि भाई देखो जो है वो डायरेक्टर अपने जो भी मेंबर्स है वो निकालने की बातें चल रही है, फिर डायरेक्टर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, डायरेक्टर कंसर्न्ड इज एंटाइटल्ड देयर टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर्स, फिर डायरेक्टर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन देगा राइटिंग में कंपनी को और रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप आपके नोटिफिकेशन जो भी दे रहे आप मेंबर्स को तो आप आपके नोटिस के साथ में मेरा रिप्रेजेंटेशन भी उनको भेजो कि भाई मेरा व्यू मेरा बोलना क्या है, मेरा भी तो सुन के लो, मेंबर्स बोल रहे ठीक है लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जान के लो, अगर समझो उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा गया मेंबर्स को नोटिस के साथ में तो जनरल मीटिंग में वो आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी जो है वो कंपनी का भी है, कंपनी अगर कंपनी बोलती है कि भाई हमें रीड करना है तो रीड करेगी, अगर समझो मेंबर डायरेक्टर जो है वो कुछ भी बोले जा रहा है उसके रिप्रेजेंटेशन में तो फिर वो ट्रिब्यूनल के कंसेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से यहाँ पे उसको रीड नहीं करने का भी वो बोल सकते हैं और वहां पे रीड नहीं किया जाएगा फिर, ठीक है। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन रिमूवल ऑफ सर्टेन डायरेक्टर्स, कौन से डायरेक्टर्स के रिमूवल पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, तुम ये डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते ना ही स्पेशल नोटिस से ना ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, कौन से डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है उनको तुम रिमूव नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु आर रीअपॉइंटेड फॉर सेकंड टर्म अंडर सेक्शन 149(10) can be removed only by special resolution plus opportunity of being heard. ऐसे independent directors जिनको कि तुमने reappoint किया है एक consecutive term होने के बाद में second consecutive term के लिए तुमने उनको reappoint किया है तो वैसे directors को तुम ordinary resolution से remove नहीं कर सकते, उनके लिए तुमको जो है वो special resolution pass करना पड़ेगा और उनको opportunity of being heard देनी पड़ेगी। और डायरेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 163, ऐसे डायरेक्टर्स जो कि सेक्शन 163 के अंदर तुमने अपॉइंट किए गए हैं उन डायरेक्टर्स को भी तुम रिमूव नहीं कर सकते। अब इसमें क्या आ गया, देखो नॉमिनी डायरेक्टर्स बोलो या फिर एसएसडी स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर्स हो गए, इन लोगों को जो है अपन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं निकाल सकते बोल रहे हैं, ठीक है। देन लास्ट इसमें अमेंडमेंट क्या आया है, देखो सेक्शन 172 जिसके अंदर पहले पूरा सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 171 तक के लिए अगर तुम कोई भी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करते हो या फिर प्रोहिबिट करते हो या फिर कुछ भी उसके अपोज में कुछ करते हो तो तुमको 50,000 से 5,00,000 तक का पेनल्टी था, अभी अमेंडमेंट के हिसाब से 50,000 से 3,00,000 तक का पेनल्टी देने वाला है, 5,00,000 के पेनल्टी को उन्होंने 3,00,000 पे ला के रख दिया है, पेनल्टीज को कम कर रहे हैं, कोविड के सिनारियों को देखते हुए पेनल्टीज को यहाँ पे कम किया जा रहा है, ठीक है।
ये पूरा अपन ने पूरा रिवीजन किया है फर्स्ट चैप्टर का, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स रिलेवेंट फॉर नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, आपको ये अगर समझा है अच्छे से और बहुत ही आपको कुछ अच्छा लगा तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, उनके भी रिवीजन में हेल्प होगी। और कुछ भी अगर पॉइंट गलत लगता है, कुछ भी कुछ इश्यू आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो भी गलती हो रही है प्लीज प्लीज मेंशन करो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, सो दैट उनके भी बेनिफिट हो। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।